तो हमने अपने घर पे बुलाई है गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए, तो मैकेनिक को दिखाई तो उसने थम्स अप दिया। ये वीडियो स्पिनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो बेसिकली ये मेरे को 5,52,000 की पड़ी है। 5,52,000, तो इसके ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह स्पिनी ने प्रोवाइड किया? आज हमारे पास है एक 2015 होंडा सिटी। अब ये जो कार है ये मेरे ब्रदर ने रिसेंटली ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, एंड ये इन्होंने ली है स्पिनी के थ्रू। इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा इस कार की, जो इनका बायर्स एक्सपीरियंस रहा है स्पिनी के थ्रू, एंड स्पिनी एक्चुअली कितना रिलायबल है मेरे को उसके बारे में भी बात करनी है। जो लोग अगर ढूंढ रहे हैं कोई स्पिनी से गाड़ी लेने के लिए, तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट ओनर से बात करने से पहले हम करते हैं इस कार का एक ओवरव्यू। ये 2015 होंडा सिटी का वी मॉडल है, मैरून रेड कलर के अंदर ये फिनिश्ड है, एंड वी मॉडल होने की वजह से ऑब्वियसली यू हैव द अलॉय व्हील्स। स्टॉक कार है, कोई भी इस कार के अंदर कुछ चेंज नहीं है। क्रोम डोर हैंडल्स आ जाएंगे, यू गेट अ मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, ऑटोमेटिक मिरर्स आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं, इट्स अ मैनुअल कार, एंड फैक्ट्री फिनिश रेडियो सिस्टम भी आ जाता है। लाइक ओवरऑल इट इज अ क्वाइट गुड कार, एंड जितने भी एसेंशियल फीचर्स हैं मेरे हिसाब से ऑल ऑफ देम हैव बीन कवर्ड इन दिस मॉडल। इससे ऊपर वाले मॉडल में ऑब्वियसली आपके पास डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, सनरूफ आ जाती है, दोज आर लाइक लग्जरी फीचर्स, बट देन एसेंशियल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ देम हैव बीन कवर्ड एंड इट इज अ प्रीटी गुड कार। होंडा सिटी ऑब्वियसली हमें पता ही है, इट्स अ वेरी रिलायबल कार। होंडा की जो कार्स होती हैं दोज आर प्रीटी गुड इन ड्राइविंग एज वेल, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। एवरीथिंग इन दिस कार इज लाइक परफेक्ट फॉर अ टिपिकल इंडियन कार। एंड इसी के साथ प्लीज वेलकम माई ब्रदर मिस्टर अभिनव ऑन दिस चैनल। पहली बात तो भैया कंग्रेचुलेशंस ऑन द कार, एंड आपने ये गाड़ी स्पिनी के थ्रू ली है, बट उसके बारे में बात करने से पहले आई वॉन्ट टू नो कि जब आप अपनी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके मन में एक्चुअली क्या था? लाइक वर यू प्लानिंग कि आपको होंडा सिटी ही लेनी है, या फिर आपके बजट में जो कार फिट हो रही थी आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर सर्च कर रहे थे? सो बेसिकली मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि होंडा सिटी ही लेनी है। मेरे एक मन में था कि आई विल प्रेफर अ पेट्रोल कार विच विल कम इन अ बजट ऑफ लाइक 4-5। सो फॉर दिस आई हैव टू एक्सटेंड, मतलब थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ा मेरे को लिटिल, बट ठीक है, एक्चुअली आई फाउंड दिस कार गुड। ठीक है, सो रही बात स्पिनी की, अगर हम बात करें सो व्हेन यू वर सर्चिंग फॉर कार, तो इज इट कि आपको किसी ने स्पिनी को रेकमेंड किया था और समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको यू जस्ट स्टंबल्ड अपॉन द कार? एक्चुअली मेरे को पता था कि स्पिनी एक ब्रांड है ऑलरेडी, बट मैंने ऐसे कोई डायरेक्टली सर्च नहीं किया स्पिनी के लिए। मैं अलग अलग वेबसाइट्स पर जा रहा था, चेक कर रहा था कि हाँ कोई मेरे बजट में आ जाए कार, तो ऐसे ही रैंडमली आ गई ये, तो मेरे को लगा कि चलो अच्छी लग रही है एक बार देख लेते हैं, तो ऐसे ही करते करते स्पिनी। राइट, अच्छा बाय द वे एक चीज़ लाइक अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो स्पिनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, इज जस्ट दैट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब मैं भी खुद गाड़ी ढूंढ रहा था, एक डीलर से लेते हुए यूजुअली लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं गाड़ी लेते हुए कोई मीटर बैक ना हो, या कोई क्वेश्चन ना हो, कोई दिक्कत ना हो गाड़ी के अंदर, छुपाई ना हो कोई चीज़, इसीलिए वो डाउट बहुत लोगों को रहता है। इसी डाउट को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय स्पिनी इन एनी वे। तो ये तो था आपका इस गाड़ी को ढूंढने तक का वो। अब आपने जब टेस्ट ड्राइव लेने गए तो लाइक वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या था? सो जैसे मेरे को रैंडमली एक प्लान बन गया कि गाड़ी देख लेते हैं, तो नेक्स्ट डे मैं गया अपने भाई के साथ, तो हम दोनों ने कार की टेस्ट ड्राइव ली। दे वर वेरी गुड कि प्लीज ड्राइव एज मच एज वी वांट, तो हम दोनों ने चला के देखा प्रॉपर कि एक बार स्पीड टेस्ट वगैरह भी किया कि पिकअप वगैरह सही है कि नहीं। तो एज माय डैड मेक सम फाइनल डिसीजन, तो हमने अपने घर पे बुलाई है गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए एज दे प्रोवाइड। ठीक है, तो मतलब घर पे वो आ गए थे गाड़ी को लेकर, गाड़ी दिखाने आए, तो डैड को पसंद आई गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैकेनिक को भी दिखा लेते हैं गाड़ी, तो मैकेनिक को दिखाई तो उसने थम्स अप दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ गाड़ी सही लग रही है तो आप ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि कुछ प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में मेजर। राइट, अच्छा एक चीज़ ये आपने बहुत सही बोली कि मैकेनिक को गाड़ी चेक कराई। मैंने भी एक बार एक वीडियो बनाई थी न्यू कार्स वर्सेस यूज्ड कार, एंड इफ़ यू आर बाइंग अ यूज्ड कार तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड उस वीडियो के अंदर भी मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली थी कि मैकेनिक को गाड़ी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है यूज़ कार्स के अंदर हमें नहीं पता कि लाइक व्हाट आर द हिडन थिंग्स, अनलेस एंड अंटिल आपको गाड़ी की बहुत अच्छी नॉलेज अपने आप ही है, यू शुड गेट द कार चेक फ्रॉम लाइक एन एक्सपर्ट। सो ठीक है, एक्सपीरियंस आपका जब अच्छा रहा है, यू गॉट द टेस्ट ड्राइव एंड स्टफ, तो जब आपने फाइनली गाड़ी बुक करने का सोचा तो उस टाइम पे क्या हुआ था? सो बेसिकली दे हैड टुक एन एडवांस फ्रॉम मी 10,000, एंड आई हैड टू टेक द कार ऑन मंडे, तो मैंने मंडे जाके डिलीवरी ले ली थी। एक्चुअली डिलीवरी ली नहीं थी, वो घर पे ही डिलीवर करने आते हैं कार। ओके, सो लाइक इररिगार्डलेस कि चाहे वो शोरूम के घर के पास ही हो, हाँ, वो करते घर पे ही डिलीवर है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, लाइक फॉर आपने लाइक ये गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल कितने की ली? तो बेसिकली ये मेरे को 5,52,000 की पड़ी है।
5,52,000, तो इसके ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह स्पिनी ने प्रोवाइड किया? लाइक बिकॉज 5,52,000 तो वो था जो स्पिनी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था, एंड जब आपने गाड़ी चेक करी उसके बाद लाइक वहाँ पर बात करने पे कुछ हुआ था कि लाइक दे? एक्चुअली मैंने ट्राई किया कि एज एन इंडियन की थोड़ा डिस्काउंट मिले, कोई चाहता है ऑब्वियसली, मतलब इट मेक सेंस, तो बट उन्होंने नहीं दिया। बट एक्चुअली मेरे रेंज में थी कार, तो मैंने ज़्यादा वो भी नहीं किया, तो आई टुक द ऑप्शन। ठीक है, एंड इफ समवन वांटेड टू गेट अ लोन फैसिलिटी, तो लोन फैसिलिटीज के लिए वहाँ पे स्पिनी पे है ऑप्शन, या यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम समवेयर एल्स, डू दे अलाउ ऑल दैट स्टफ? हाँ, मतलब वो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका कोई प्रोवाइडर है, आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन ऑन दैट एज आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट, तो एक्चुअली इट विल बी बेटर कि यूजर ही जाके देखे। अच्छा, डन ओके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज रिलेटेड टू द वारंटी, क्योंकि डीलर से लेने का एक फायदा जो रहता है हमारा वो ये है कि वो आपको गाड़ी के ऊपर वारंटी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली लाइक ब्रांड्स लाइक अगर हम कार्स 24 या स्पिनी की बात करेंगे तो दे डू प्रोवाइड वारंटी गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन के ऊपर, दे गिव अ 1 ईयर वारंटी, एंड फुल कार के ऊपर चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर देते हैं 3 मंथ्स की वारंटी। तो मेरे भैया ने जब गाड़ी ली तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉट वन थिंग रिप्लेस्ड इन दिस कार, तो आई वांट टू आस्क अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, वो क्या चीज थी जो आपने रिप्लेस कराई थी, एंड वो रिप्लेस करने के लिए कोई इशू उन्होंने क्रिएट किया या नहीं, वो प्लीज बताओ। तो बेसिकली मैंने जब गाड़ी ली थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि होंडा सिटी का ये वाला पार्ट इजीली खराब हो जाता है, आर्मरेस्ट। हाँ, आर्मरेस्ट खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे क्या था, फेविकॉल से जोड़ा हुआ था, जो एक्चुअली ओनर था कार का, जिसने स्पिनी को सेल की थी कार, ठीक है। तो स्पिनी को भी नहीं पता था, तो बट व्हेन आई कॉल्ड कस्टमर केयर तो वो लोग फ्रेंडली थे, उन्होंने कहा कि अरे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ठीक कर देंगे, एंड पिक एंड ड्रॉप सर्विस थी, घर से बंदा गाड़ी लेके गया और उसने रिप्लेस करके दे दिया सेम डे पे। अच्छा, ठीक है। ओ, मतलब ये काफ़ी सही चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे एक्नॉलेज कि उनकी गलती है, दे गॉट इट चेंज्ड, एंड देन ऊपर से पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी थी, एंड एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं आए, लाइक दैट इज वेरी वेल, लाइक दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन दूसरी चीज़ मुझे पूछनी है वो ये है गाड़ी की कंडीशन के बारे में, सो लाइक व्हेन यू बॉट द कार गाड़ी कितनी चली हुई थी? इट वाज अराउंड 34,000 समथिंग। ठीक है, सो 44,000 के आसपास अगर आपकी गाड़ी चली हुई थी जब आप गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज एक ऐसी चीज है कि मीटर बैक एक ऐसी चीज है जो अनलेस एंड अंटिल आपके पास रीसेंट गाड़ी के सर्विस रिकॉर्ड्स है कंपनी के, वो आप नहीं पता कर सकते, लेकिन इट्स वेरी हार्ड पता करना जेन्युइनिटी ऑफ की गाड़ी कितनी चली हुई है। तो जब आपने गाड़ी ली या फिर जब आपके मैकेनिक ने गाड़ी चेक करी, तो आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि ठीक है हो सकता है कि गाड़ी 1 लाख ना चली हो और उन्होंने मीटर बैक किया हो, लेकिन आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि यार 60,000 को भी उन्होंने 40,000 कर रखा है, समथिंग लाइक दैट, कि मीटर बैक की पॉसिबिलिटी आपको लगी या नहीं? तो बेसिकली 40 और 60 में ज्यादा फर्क है भी नहीं, बट एक्चुअली कार चला के इतनी स्मूथ थी कि मेरा मन भी नहीं किया चेक करने का कि हाँ कि मीटर किया हुआ या नहीं किया हुआ, बिकॉज जो कंफर्ट मेरे को चाहिए था वो कार में था, तो इसलिए आई डिडंट इवन गेट अ हेडेक कि चेक करूं मैं जाके। एंड आप कुछ बता रहे थे कि स्पिनी की भी कुछ होती भी है ऐसी पॉलिसी की, वो 1 लाख से ज्यादा गाड़ी लेते भी नहीं है? हाँ, एक्चुअली उनका कोई ऐसा रूल है कि इफ यू वांट टू सेल अ कार टू देम कि 1 लाख से ज्यादा चली हुई गाड़ी है तो दे रिजेक्ट। अच्छा, वो लेते ही नहीं है? हाँ, ठीक है डन। ये हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया है, वैसे इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन स्पिनी से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें, जितना मेरे को पता होगा मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, वरना मेरे भैया ही हैं, मैं उनसे पूछ के आपको बता सकता हूँ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, बट फॉर अ जनरल ओवरव्यू भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका स्पिनी के साथ कैसा रहा, एंड अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड वगैरह आता है पूछने के लिए कि यार मैं सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो लाइक वुड यू रेकमेंड स्पिनी टू देम? तो जैसे पहले मेरे को स्पिनी के बारे में पता नहीं था, तो जैसे मेरे को पता चला अभी, जैसे उनकी कस्टमर सर्विस वगैरह बहुत अच्छी लगी, देवर फ्रेंडली, देवर लाइक कि आपको गाड़ी लो अगर कोई दिक्कत आती है तो हम देखेंगे, तो वो सब जो भी था उनका वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जस्ट एक चीज मेरे को उनकी थोड़ी वो लगी कि लाइक देर वॉज नो बार्गेन पॉइंट ऑफ लाइक, क्योंकि चाहिए वो चीज, तो मतलब समझ गया मैं, एंड इट एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाइंग अ यूज्ड कार, तो यूज्ड कार के अंदर मतलब देयर आर अ फ्यू थिंग्स कि मतलब हाँ ठीक है बार्गेनिंग एक ऑप्शन रहता है वहाँ पे, एंड दैट मे बी पॉसिबल। जहाँ तक रही बात प्राइस की भी, सो यू बॉट दिस कार फॉर अराउंड 5-5.5 लाख के आसपास आपने ये गाड़ी ली है, तो आई वुड से कि मार्केट वैल्यू से ओके ही प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है फॉर अ 2015 मॉडल जो सिर्फ 44,000 किलोमीटर चली हुई है, तो मार्केट वैल्यू के आसपास ही उन्होंने प्राइस वैसे चार्ज किया है, बट देन अगेन बार्गेनिंग की एक चिप जरूर है जो हर को अच्छी लगती है। सो उसके अलावा आई थिंक यू वुड रेकमेंड स्पिनी टू एवरीवन? स्पिनी वॉज गुड एज मतलब की होल कस्टमर एक्सपीरियंस वॉज गुड, वॉट एल्स कैन वी से, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो
इट इज़ गुड। एंड सो ये था एक कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनी ब्रांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।